अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम ये वाला पैसेज पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क लेट स्टार्टर्स स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है नाइल्सो। इसमें अगर हम देखते हैं, फर्स्ट जो स्टेटमेंट गिवन है, द आइडिया बिहाइंड नाइल्सो वाज बेस्ड ऑन एन अदर ऑर्केस्ट्रा। अच्छा जी, इसका जो आइडिया था वो किसी और ऑर्केस्ट्रा पे डिपेंड करता था, वहाँ से इंस्पायर होके ये बना। चेक करते हैं, इज समथिंग स्पेशल, इट वॉज फाउंडेड इन अर्ली 2007 एंड ग्रू आउट ऑफ अ कंसेप्ट डिवेलप्ड बाय द ईस्ट लंदन लेट स्टार्टर्स। अच्छा, ELLSO, ठीक है, यहाँ से इसका आइडिया आया और नया ऑर्केस्ट्रा बना नाइल्सो नाम से। ये हम नोट कर लेते हैं। चलते हैं नंबर टू पे, एन एबिलिटी टू रीड म्यूजिक इज एसेंशियल। म्यूजिक पढ़ने की जो एबिलिटी है वो लाजमी होनी चाहिए, आपको म्यूजिक पढ़ना आना चाहिए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ओके, ये लिखा हुआ है जी, ठीक है, बेसिक म्यूजिक रीडिंग स्किल्स, पार्टिसिपेंट्स शुड हैव बेसिक म्यूजिक रीडिंग स्किल्स, तो उनके पास मस्ट होनी चाहिए म्यूजिक स्किल्स। तो हमने क्या करना है, इसको भी हमने ट्रू कर देना है। नेक्स्ट है, द नाइल्सो माइट बी अनसुटेबल फॉर वेरी एडवांस्ड लेवल म्यूजिशियंस। जो अच्छे म्यूजिशियन से पहले से ही वो इस क्लब को ज्वाइन बेशक ना करें, ठीक है, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो हम चेक करते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड दैट इफ दैट यू हैव स्टडीड योर इंस्ट्रूमेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आपने अपना इंस्ट्रूमेंट 1 साल के लिए पढ़ा हो, इसलिए म्यूजिक रीडिंग स्किल्स भी होंगी आपके पास। ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इफ यू हैव एवर बीन पेड टू प्ले योर इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने पहले पैसे कमाए हैं इंस्ट्रूमेंट से, रिसेंटली ग्रेजुएटेड, अगर आपके पास डिग्री भी है, और हैव बीन प्लेइंग कंटिन्यूसली, अगर आप अभी तक अपना इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, तो यू मे डिसाइड वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट ग्रुप फॉर यू, तो हम आपके लिए नहीं बने। ये बात भी बिल्कुल उसने ठीक बोली है, ये अनसुटेबल है एडवांस्ड लेवल म्यूजिशियंस के लिए। इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट है जी, नाइल्सो कंसर्ट्स आर फ्री टू मेंबर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये कामा आपने देखा होगा। अच्छा जी, मेंबर्स की जो फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल मतलब मुफ्त है ये कंसर्ट वगैरह इनके। देखते हैं, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात आई है, मैं यहाँ से थोड़ा देखता हूँ। अल्टीमेटली दो टू मैनी एब्सेंसीज डिसरप्ट द फंक्शन ऑफ द ग्रुप एंड मेक इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म द पीसीज। सेशंस आर इन 6 वीक्स, टू रिहर्सल हेल्ड वंस इन अ वीक। अच्छा, इसमें वो बात नहीं हुई कि मेंबर्स की फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पे मुफ्त आ सकते हैं या उन्हें कंसर्ट्स में पैसे देने होंगे, हम इसको नॉट गिवन करने लगे हैं। ओके, नंबर 5 इज, रिहर्सल्स ऑलवेज इन्वॉल्व द फुल ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, हमेशा मतलब ये जो प्रैक्टिस इनकी होती है वो सब लोग इकट्ठे होंगे तब ही इनकी चल पाएगी, लेकिन वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे उसने बोला कि एक दो आप छुट्टियाँ भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे भी इसी तरह की बात होगी। मैं तो इसको कॉमन सेंस की बेस पे मैं इसे फॉल्स बोल देता हूँ, क्योंकि अगर आपने छुट्टी की है तो आपकी जो रिहर्सल या प्रैक्टिस है वो तो अपनी जगह चलती रहती है, ये नहीं कि वो स्टॉप कर देते हैं कि आज कुछ स्टूडेंट्स छुट्टी पे हैं या म्यूजिशियंस नहीं आए आज।
ओके जी, द कंडक्टर प्रोवाइड्स हर सर्विसेज फ्री टू नाइल्सो। ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसको आप टीचर ही समझ लें, यहाँ पे म्यूजिक टीचर जो कंडक्ट करता है, ठीक है, वो पैसे नहीं लेता या लेती। ओके, चेक करते हैं जी। नाइल्सो इज सेल्फ सपोर्टिंग कलेक्टिव, वी डू नॉट रिसीव एनी अदर फंडिंग। हमें फंडिंग नहीं मिलती, ठीक है। द कॉस्ट इज $80 फॉर ईच 6 वीक साइकिल। पेमेंट्स आर अप्लाइड, पेमेंट्स जो मिलती हैं हमें, जो पैसा कमाते हैं हम कहाँ पे लगाते हैं, रिहर्सल फी, स्पेस और कंडक्टर फी। ठीक है, यहाँ पे फोकस था, ठीक है, कंडक्टर जो है वो तो फी लेता है, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल फ्री अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है जी 7, द नाइल्सो गिव्स एडवाइस ऑन व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स टू परचेज। क्या वो एडवाइस आपको देते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने लेने हैं। ठीक है, ये एंड वाली देख लेते हैं। यू विल नीड एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई टिप नहीं दी हमें। पोर्टेबल म्यूजिक स्टैंड एंड एनी अदर रेलिवेंट एक्सेसरीज। यू शुड ब्रिंग अ फोल्डर टू कीप योर म्यूजिक टुगेदर। अच्छा, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये देखें, पेंसिल की भी बात आई है, जो बाकी चीज़ें हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना, ठीक है, तो उन्होंने ये वाली टिप नहीं दी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लेने, किस कंपनी के लेने, ये चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। हम इसको नॉट गिवन कर देते हैं। और अभी हम चलते हैं आंसर्स पे। ये टेस्ट 3 का सेक्शन 1 था और क्वेश्चन इसके थे 1 to 7, वो हम देख लेते हैं। ये आगे जी आंसर्स। जी स्टूडेंट्स, आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।